आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर है, जहां पर भारी बारिश हुई और बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव जो है वो लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। सड़कें नजर नहीं आ रही हैं, बल्कि तालाब जैसी नजर आ रही हैं सड़कें। और इसी सड़क से जब होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है, तो देखिए आफत कैसे अब चारों तरफ से घेरे हुए हैं। लोग अगर पैदल चल रहे हैं तो घुटनों तक पानी है, गाड़ियां अगर चल रही हैं तो आधी डूबी हुई हैं, टायर आपको नजर नहीं आएंगे। कई गाड़ियां ऐसी रही जो कि खराब हो गई इस पानी की वजह से। सड़कों पर जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश की वजह से ये कहर लोगों पर बनकर टूटा है। और अब इसी बारिश के बीच से अगर लोगों को निकलकर जाना पड़ रहा है तो अंदाजा आप लगाइए। देखिए टू व्हीलर खराब हो गए हैं, ऑटो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, टू व्हीलर जितने होते हैं वो खराब हो जाते हैं, चार पहिया जो गाड़ियां हैं वो भी खराब हो जाया करती हैं। और ऐसे में गुरुग्राम जो एक बार फिर से बारिश की आफत को झेल रहा है। हालात खराब हो रहे हैं जी, पानी का कोई निकाल नहीं है, साधन नहीं है, कोई समाधान नहीं होता इसका। बड़े परिसीय इलेक्शन हम कहें हर साल करते हैं, करते कभी करते नहीं है। गाड़ी डूब रही है, गाड़ी डूब रही है, धक्के मार रहे हैं लोग, बहुत दुखी हो रहे हैं। देख लो आप किसी क्या हाल हो रहा है। पहली बारिश से इतने हालात बिगड़े हुए हैं, पता नहीं नगर निगम क्या कर रहा है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है सड़कों पर? सड़कों पे आप खुद ही देख लो कैसे गाड़ियां डूब के चल रही हैं, गिरने को तैयार हो रखी है, आम जन परेशान हो रखा है। नगर निगम के हर साल दावे होते हैं, वो खोखले दावे हैं सर नगर निगम के। साल जरूर बदलते हैं, नहीं बदलती है तो गुरुग्राम की ये तस्वीर। जरा सी बारिश हो जाए तो सड़कों पर पानी भर जाया करता है, और जब मूसलाधार बारिश हुई, तेज बारिश हुई गुरुग्राम की सड़कों पर, तो देखिए कैसे आफत ने लोगों को घेर लिया। लोग जरूर सुबह सुबह अपने घरों से निकले थे जरूरी काम से, लेकिन सड़कों पर ऐसी आफत उनका सामना करेगी ये उन्हें अंदाजा था नहीं। पानी भरने से जगह जगह गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं, कई जो टू व्हीलर वाले थे जब बाइक और स्कूटी खराब हो गई उसे हाथ से खींचते हुए नजर आए। ऑटो बहुत जल्दी बंद हो जाया करते हैं इस तरह के पानी में, ऑटो जगह जगह खराब हो गए, कई जगह चारपहिया वाहन खराब हो गए इस बारिश के पानी की वजह से। और जब एक गाड़ी सड़क पर रुकती है तो पीछे की तमाम गाड़ियां उस आफत को झेलती हैं। यूं भी सड़क पर पानी की निकासी का कोई इंतजाम नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे तालाब से निकलकर ये लोग जा रहे हों। आफत गुरुग्राम के लोगों को घेरे हुए है, यूं भी ट्रैफिक की समस्या गुरुग्राम के लोगों को परेशान करती है, लेकिन अब देखिए बारिश के बाद ये आफत कैसे बढ़ गई है। हनु इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। हनु, साल जरूर बदलते हैं लेकिन गुरुग्राम की तस्वीर नहीं बदलती, कोई इंतजाम नहीं होते। जी देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में इंडियन न्यूज सबसे पहले गुरुग्राम के जो धरातल की तस्वीर है वो दिखा रहा था। गुरुग्राम में जिस तरह से जो जीएमडी है, नगर निगम है, जो 14 अंडरपास है और जो बाकी जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम चल रही थी उसको लेकर भी किस तरह से नगर निगम और जीएमडी काम कर रहा था। अधिकारियों की बात तो अगर की जा रही थी तो अधिकारियों को उनका नियुक्त जगहों पर किया गया था कि, और यहाँ पर यहाँ तक कि जिला प्रशासन द्वारा भी उनको हिदायत दी गई थी कि अगर कहीं भी कुछ ऐसी समस्या आती है या पानी वाटर लॉगिंग की समस्या आती है तो उसको तुरंत निजात दिलाया जाए और पानी से की समस्या से लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े, जाम की समस्या ना लगे, उसको लेकर के पुख्ता इंतजाम बड़े किए जाते थे। वहीं अगर अभी धरातल की तस्वीरें जो आप देख सकते हैं तीर्थ चल पे, कि वहां पर लोगों द्वारा जो है वो परेशानी देखी गई, वहीं जीएमडीए के ना अधिकारी दिखे, ना ही कहते नगर निगम के कोई अधिकारी दिखा, ना ही ट्रैफिक को लेकर के निजात दिलाने के लिए कोई भी वहां पे पुलिसकर्मी मौजूद था, जिसको लेकर के एनएचएट हाईवे पर इतना लंबा जाम लग गया, करीबन 8 से 9 किलोमीटर का जो लंबा जाम लगा, जिसके बाद लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, यहाँ तक कि जो लेबर क्लास। हनु बता रहे हैं कि कैसे चाहे वर्ग कोई भी हो, तबका कोई भी हो, लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। और जब पानी भरा है सड़कों पर वो बहुत जल्दी निकलेगा नहीं, अभी ये आफत लोगों को दिन भर झेलनी पड़ सकती है। जगह जगह प्रशासन इंतजामों की बात करता है लेकिन इंतजाम कैसे जरा सी देर की बारिश में नाकाफी साबित हो गए, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बताने के लिए काफी हैं।